जब भी हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन हमें यूज करना है और कौन सा ऑप्शन यूज नहीं करना है, और जो भी ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, क्या हमें उसको यूज करना भी चाहिए नहीं। अगर आप एक नई यूजर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप किस प्रकार से tv.dhan.co पोर्टल को यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बिगिनर लेवल के जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो की आपको पता होने चाहिए और आपको वो जरूर यूज करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन ऐप, धन वेब, धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप, धन ऑप्शंस ट्रेडर वेब, सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे, कि आप किस प्रकार से tv.dhan.co पोर्टल को यूज करेंगे एज ए बिगिनर लेवल से हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने धन के डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ आसान से आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है, आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा लॉगिन टू में जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट है आप उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में ऑप्शन मिलता है धन विद ट्रेडिंग व्यू, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका सेम पेज रिफ्रेश हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है धन के डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करने का। पहला ऑप्शन है कि आप धन ऐप के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप अपने धन के डीमैट अकाउंट का मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्यूआर कोड को यूज नहीं करना चाहते हैं, सो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है हाइड क्यूआर का, एंड यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखाई देता है, इस क्यूआर कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके धन के डीमैट अकाउंट के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमैट अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमैट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा tv.dhan.co पोर्टल के साथ में, एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। सबसे पहले उन सभी ऑप्शंस को जानेंगे जो कि आपके हमेशा काम आते रहते हैं। सबसे पहले आपको इस साइड आना है। इस साइड हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्टॉक्स ना दिखाई दे, यहाँ पर आपको तब स्टॉक्स दिखाई देते हैं जब आपने धन ऐप के माध्यम से, धन वेब के माध्यम से या फिर धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप के माध्यम से आपने अगर वॉच लिस्ट बना रखी है और अगर आपने स्टॉक्स या जो कुछ भी ऐड कर रखा है तो आपको वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं दे, तो अगर आपको नहीं दे रहे हैं लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं स्टॉक्स को यहाँ पर वॉच लिस्ट में, तो आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट बनानी होगी। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको जो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू लिस्ट, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक नाम देंगे वॉच लिस्ट को, नाम आप कुछ इस प्रकार से देंगे ताकि आप जो भी इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं आपको पता हो कि हाँ मैंने इस वॉच लिस्ट का ये नाम रखा है, इसी बेस से यहाँ पर मैंने जो स्टॉक्स है वो ऐड कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं डेमो के लिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं डेमो यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपकी जो वॉच लिस्ट है वो बन जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉक्स ऐड करने हैं। सो स्टॉक्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आप सर्च करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी कंपनी को ऐड करना चाहता हूँ, सो मैंने आईटीसी यहाँ पर सर्च किया, मेरे सामने यहाँ पर जो कंपनी है उसके सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। लास्ट में आपको EQ लिखा हुआ मिलेगा एंड NSE BSE। EQ का मतलब होता है इक्विटी, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो NSE BSE दोनों में से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। जिसको भी ऐड करना चाहते हैं प्लस पर आप क्लिक करेंगे वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, या फिर आप वॉच लिस्ट में से भी हटा सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस का बटन मिलता है। सो यहाँ से वो जो स्टॉक है सिंपली वो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए और आप जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसका चार्ट आपको दिखाई देगा एंड आसानी से फिर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी कंपनी है उसका चार्ट दिखाई दे रहा है उसका नाम आपको यहाँ दिखाई देता है, एंड यहाँ पर आपने वॉच लिस्ट में उसको सेलेक्ट कर रखा होगा तो वो कलरफुल होगा। इसके अलावा अगर आप इस चार्ट की कैंडल का टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट कंपनी के बाजू में टाइम फ्रेम वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जितने भी मिनट्स का चार्ट देखना चाहते हैं, जितने भी घंटों का या जितने भी दिन का या महीनों का, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 12 महीने का सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने 12 महीने का सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो रिलायंस कंपनी है उसमें 12 महीने में जो भी मूवमेंट हुई है ना वो
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप जितना भी समय सेलेक्ट करते हो ना, उसकी जो एक कैंडल है ना वो इतने समय की है। तो आप जितने भी समय के अनुसार देखना चाहते हैं हर एक कैंडल को या फिर चार्ट को, वो आप अपने अनुसार यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये है पहला ऑप्शन। उसके बाद में आपको अदर ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर, ये बहुत काम के हैं। पहला ऑप्शन मिलता है सेल का, आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने जिस भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर रखा होगा उस स्टॉक का नाम भी आपको यहाँ दिखाई देता है, जो भी करंट रेट चल रहा होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद में मार्केट ओपन होने के बाद में इस स्टॉक का प्राइस कितना घटा है और कितना बढ़ा है वो आपको यहाँ पर पैसे में दिखाई देता है एंड परसेंटेज में दिखाई देता है। इसके अलावा नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करते हैं या तब यूज करते हैं जब आप जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि दो कंडीशन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि आपको लग रहा है कि जिस स्टॉक का प्राइस घटने वाला है या बढ़ने वाला है, उस कंडीशन में आप उस स्टॉक में शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि आपके वॉलेट में कम पैसे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ इस स्टॉक का जो प्राइस है वो घटने वाला है या बढ़ने वाला है, सो आप सेल तब करते हैं जब आपको लग रहा है कि इस कंपनी में या तो बैड न्यूज है या इसका प्राइस गिरने वाला है, काफी बढ़ चुका है, सो शॉर्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं। बाय आप तब करते हैं इंट्राडे में जब आपको लग रहा है कि इस कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है या कुछ गुड न्यूज है। एक और यहाँ पर बेनिफिट होता है मार्जिन का, यानी कि जितनी भी वैल्यू का स्टॉक होता है ना उसका पूरा पैसा आपको नहीं देना होता है, आपको 5x जो मार्जिन है ना वो ब्रोकर प्रोवाइड करवा देता है। दूसरा ऑप्शन होता है MTF, कि आपको लग रहा है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, आप उसको डिलीवरी में बाई कर सकते हैं एंड जो पैसा है सिर्फ आपको 25% देना है, 75% आपका ब्रोकर देगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप शेयर को डिलीवरी में बाई कर रहे हैं, यानी कि आप 10 दिन 5 दिन 15 दिन जब भी बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, लेकिन आपको जितना भी 75% पैसा जो ब्रोकर प्रोवाइड करवा रहा है ना उस पे आपको जो इंटरेस्ट है ना वो देना होता है। सो आपको यहाँ पर जो पर डे है वो इंटरेस्ट लगता है 0.0438%। सो आप MTF को तो यूज ना करें एज ए बिगिनर, ये मेरा मानना है, बाकी आपका डिसीजन है। इन्वेस्टिंग ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस कंपनी है, जिस भी कंपनी में जितने भी शेयर्स खरीदना चाहता हूं और मार्केट क्लोज होने के पहले नहीं बेचता हूं, सो T+2 डे में जो स्टॉक है वो मेरे डीमैट अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद में जीवन में मैं कभी भी इस स्टॉक को बेच सकता हूं। सो कुछ ये बेसिक से ऑप्शन है। उसके बाद में आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं नीचे कुछ आपको लिमिटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। सो आपको दो ऑप्शन सिर्फ आने चाहिए। पहला ऑप्शन होता है मार्केट। मार्केट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जिस भी आप स्टॉक को खरीद रहे हैं और क्वांटिटी में आप जितनी भी मात्रा डाल रहे हैं, क्वांटिटी का मतलब बेसिकली होता है कि आप कितने स्टॉक खरीदना चाहते हैं इस कंपनी के। सो सिंपल सा है, क्वांटिटी में आप पहले स्टॉक्स डालेंगे जितने भी खरीदना चाहते हैं, और अगर आप मार्केट रेट को सेलेक्ट रखेंगे और अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा ना उस लाइव रेट पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, उस कंडीशन में आप लिमिट जो ऑप्शन है ना उसका चयन करते हैं एंड प्राइस में फिर अपना रेट बताते हैं कि आपको किस रेट पे खरीदना है। सो आप ऊपर बाय पे क्लिक करें या सेल पे क्लिक करें, पेज ऐसा ही आपका ओपन होता है। आप बाय या सेल कर रहे हैं तो जस्ट आप इस टिक पे क्लिक कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा बाय एंड सेल साइड। उसके बाद में चार्ट रिफ्रेश करने का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप एक नया पॉपअप ओपन कर सकते हैं चार्ट का, जिसमें आपको ये वॉच लिस्ट और ये सभी नहीं दिखाई देती, यानी कि सेपरेट एक चार्ट सिर्फ आपको दिखाई देता है, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पर भी बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बास्केट का ऑप्शन मिलता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको अगर सेपरेट देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जितनी भी पोजीशंस ओपन किया उनको आप एक साथ एग्जिट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर एग्जिट ऑल पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा। सो आपकी जितनी भी पोजीशन ओपन होंगी वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड एग्जिट ऑल पोजीशंस पे क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी पोजीशन होंगी आप उनसे बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक यूजर सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से जो इसका थीम है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका डिफॉल्ट सेव होता है ना प्रोडक्ट टाइप, यानी कि आप डिलीवरी में शेयर्स बाई करना चाहते हैं या इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो। इसके अलावा अगर आप सिंगल विंडो पे बहुत सारे स्टॉक्स का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल लेआउट एड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिजाइन मिल जाती है एंड 8 कंपनियों का जो चार्ट है वो आप सिंगल विंडो पे देख सकते हैं। सो जिस भी डिजाइन में एंड जितने भी चार्ट आप देखना चाहते हैं सिंगल विंडो में आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये डिजाइन अच्छा लगता है, सो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर जितने भी चार्ट दिखाई दे रहे हो और अगर आप इनमें कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे HDFC बैंक का यहाँ पर चार्ट नहीं दिखाना, सो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में कीबोर्ड में F टाइप करूंगा। उसके बाद में मैं जिस भी कंपनी का चार्ट देखना चाहता हूँ या बाय और सेल करना चाहता हूँ उस कंपनी का नाम मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक्सिस बैंक। आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। लास्ट में आपको अगेन NSE BSE इक्विटी देखने के
लिए मिल जाता है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो चार्ट है सिंपली वो ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको ऊपर बाय और सेल के ऑप्शन मिल रहे हैं ना, इसी प्रकार आपको यहाँ बाय सेल के ऑप्शन मिल रहे हैं। आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। यहाँ पर इस पैनल में और इस पैनल में सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है और यहाँ पर यूनिट्स लिखा है। यूनिट्स का मतलब भी स्टॉक्स है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो कुछ बेसिक से फीचर है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।